दोस्तों टी आर एस हिंदी का TRS क्लिप में आपका स्वागत है सीखिए एंजॉय कर्ण पिशाचिनी इज द लोअर फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनाइन जैसे हम कह सकते हैं कि माँ दुर्गा इट इज हाईएस्ट फॉर्म वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन वैसे वन ऑफ द लोएस्ट

तो कर्णपिशाचिनी ऐसा ही एक स्वरूप होता है जहाँ पे मैं आपको एक आ, किस्सा सुनाता हूँ डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली करके हमारे इंडिया में बहुत बड़े तांत्रिक हो चुके डॉक्टर उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उनके पास एक शिष्य आए कर्णपिशाचिनी लेने के लिए और वामाचार से करना चाहते थे क्योंकि वामाचार का एक सबसे लोग उनको बेनिफिट ये मानते हैं कि वामाचार से अगर आप सिद्ध करो जल्दी सिद्ध हो जाती है कर्णपिशाचिनी तीन दिन में तो उन्होंने अपनी जो साधना थी वामाचार से शिष्य ने शुरू की उनके शिष्य ने और तीन दिन के अंदर उनको कर्णपिशाचिनी सिद्ध हो गई और उसमें पूरा जो मेथड रहता है ना वो ये रहता है कि आपको साधना शुरू होने से दस दिन पहले नहाना नहीं होता आपको दांत साफ़ नहीं करने होते आपको कपड़े नहीं बदलने होते इन शॉर्ट आपको हो सके उतना गंदा रहना है उसके बाद ये पहले के दस दिन की प्रिपरेशन है जब तीन दिन एग्जैक्टली exactly आए वो तीन दिन की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी मतलब तेरस थर्टींथ डे थर्टींथ फोर्टीन और फिफ्टींथ मतलब अमास तक अमावस्या तक ये तीन दिन तक ये साधना चलती है और ये तीन दिनों के अंदर आपको एक स्थान पे बैठकर अपने ही मलमूत्र को पीना होता है खाना होता है मतलब भी। या स्टूल स्टूल को खाना होता है और पेशाब को पीना हाँ, होता। और कुछ नहीं खाना होता और कुछ नहीं पीना होता उसी स्टूल को आप एज लेप के तौर पर आपको लगाना होता है पूरा अपने, के उपर, अपने ही मल को अपने ही बॉडी के ऊपर आपको लगा के अपने ही मूत्र को मतलब अपने ही यूरिन को आपको अपने ऊपर छंटकाओ जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं वैसे उस चीज को हमें छिड़कना होता है अपने ऊपर और पिशाचनी के मंत्र का जप करना होता है ऐसे तीन तीन दिन वो साधना ऐसे चलती है पर्टिकुलरली तीसरे दिन मतलब दूसरे दिन ही ये सारी चीज़ें हो जाती है शुरू जब दूसरे दिन की साधना मिडल में पहुंचती है या फिर शुरू होती है उस टाइम पे पिशाचनी आपके पास आती है एक पच्चीस छब्बीस एज की लड़की का रूप लेकर और पास आके आपके साथ इंटरकोर्स uh, करने की कोशिश करती है ठीक है कोई कोई साधक ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं तो पहली बार में नहीं कर पाते कोई कोई साधक तीसरे दिन कर पाते हैं तो इनका जो मतलब नारायण दत्त श्रीमालिक का जो शिष्य था जिन्होंने ये साधना जो कर रहे थे उनके तीसरे दिन पे कर्ण पिशा जिन्हें वापस से आई वो दूसरे दिन नहीं कर पाए थे इंटरकोर्स तीसरे दिन वो आई और उनके गोद में आकर बैठ गई और तब जाकर उनका इंटरकोर्स ये सारी चीज़ें हुई और फिर कर्ण प्रशाचिनी ने उनको कहा कि अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ उन्होंने गले में एक हड्डी की माला पहन कर रखी थी वो हड्डी की माला आपको एक गले में पहननी होती है एक आपको हाथ में जप करने के लिए हड्डी की माला रखनी होती है उसमें मतलब फिफ्टी फोर हड्डियाँ होती है छोटी छोटी और उसकी आप उसके ऊपर आपको जप करना होता है माला के ऊपर तो उसने कर्णपिशाचिनी ने उस माला को गले में से निकाला जो उसने गले में पहनी हुई थी और अपने गले में डाल दी और उसने कर्णपिशाचिनी ने अपने गले में जो माला पहनी थी वो उस साधक के गले में डाल दी और फिर उनका ये आदान प्रदान खत्म हो गया कर्णपिशाचिनी सिद्ध हो गई उन्हें उसके बाद ये साधना तीसरे दिन पे अमावस्या के ऊपर ख़त्म हो गई थी उसके बाद भी दस दिन तक आपको आ, मलमूत्र ही खाना है मतलब आपको स्टूल ही खाना है और यूरिन ही पीना है पर आपके हेल्थ कोई अफेक्ट नहीं करता करता है कभी बहुत बार करता है लेकिन अगर कभी कभी ये होता है ना रणवीर की हमारी डिजायर इतनी बड़ी होती है कि हम और कुछ नहीं देखना चाहते हम इतने अंधे हो जाते हैं डिजायर के पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं कि हमें जो प्राप्त करना है उसके पीछे हम कुछ भी देखे बिना कुछ भी सोचे बिना दौड़ने लगते हैं सिर्फ ये सारी चीजें भी तंत्र विद्या होती है बहुत होती है okay. ये पूरी वामाचार तंत्र विद्या है okay. और ये, इस प्रकार के तंत्र विद्या से यू कैन यू नो जो माँ के लोअर फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ कर्णपिशाचिनी सबा मोहिनी जैसे स्वरूपों को सिद्ध किया जाता है तो ऐसे एक मेरे जो मैं अच्छा कमिंग बैक टू बीच में चला गया था तो ऐसे सिद्ध होती है और कर्ण पिशाचिनी में मेरे एक दूर के रिलेटिव ने ऐसे ही सिद्ध की थी पर लोग इन्हें सिद्ध क्यों करते हैं पावर के लिए पैसे के लिए पावर के लिए मान लो आपके पास कोई आ, कोई अच्छा इसमें सामने वाले को तो ज्यादातर पता नहीं रहता कि इसके पास कौन सी विद्या सिद्ध होती है अगर आप कोई कर्ण पेशा इन्हें सिद्ध सिद्ध किए हुए साधक के पास जाओ तो वो तो आपको बताएगा नहीं कि मैंने कौन सी विद्या सिद्ध की है तो आपको तो यही लगेगा लगेगा कि उनके ऊपर भगवान का हाथ है उनके ऊपर ईश्वर का हाथ है ठीक है तो क्या होता है ना रणवीर काफी बार कि लोग साधक के पास जाते हैं मान लो पॉलिटिशियन गया ठीक है या फिर सेलिब्रिटी गया उसके पास उसने जाकर कुछ चीजें पूछी अब वो वो जो साधक रहता है वो पॉलिटिशियन के बारे में उसके पास्ट के बारे में उसके फैमिली के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि कर्ण ने उसके कान में आकर सारी चीजें बता दी है ऑलरेडी अब नेता को क्या लगेगा या फिर सेलिब्रिटी को क्या लगेगा कि तो अच्छा ये तो कितना बड़ा आदमी है इतने इसने कितना साधना की होगी कि इसको ये सारी चीजें चीज़ों के बारे में पता है इन चीज़ों की वजह से लोग उन्हें पैसे देते हैं लोग उन्हें पावर भी देते हैं लोग उन्हें पूजने लगते हैं आज की तारीख में भी हमारे भारतीय समाज में भी ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने ये सारी विद्याएं सिद्ध करके रखी हुई हैं और बहुत ही फेमस जिन्हें आप मैं सब जानते हैं लेकिन उनकी सिद्धियों के पीछे का असली कारण किसी को नहीं पता वो उन्हीं को पता चलता है जिसने स्वयं साधनाएं की हैं जिन्होंने स्वयं तंत्र में बहुत ही ज्यादा डीप में जाकर अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हासिल की है सालों तक गहन अध्ययन किया है अभ्यास किया है किया है, उसको ही पर्टिकुलरली पता चलेगा कि सामने वाले साधक के अंदर कौन सी विद्या या फिर कौन सी सिद्धि मौजूद है और ये किस वजह से ये इतना कुछ बता पा रहा है कहा जाता है कि तंत्र एक माध्यम होता है जिसकी वजह से आप मोक्ष की ओर तेजी से बढ़ सकते हो पर तंत्र विद्या में उस सब्जेक्ट में ऐसे चीजें होती है बिल्कुल अ ऐसे आ, क्या मतलब प्रोसीजर को क्या कहते हैं रिचुअल रिचुअल हाँ ऐसे रिचुअल्स होते हैं करेक्ट जहाँ ये सब भी हो सकता है पर ये आपको मोक्ष से दूर लेकर जा रही है बिल्कुल हम मोक्ष तक नहीं पहुँच रहे नहीं आप माया में फंस रहे हो तो ऐसे लोग जिनके पास कर्ण पेशाचनी होती है या ऐसे चीजें होती है जब इनका देहांत हो जाता है देहांत के बाद उनके आत्मा के साथ क्या होता है मैं वही बताने की अभी कर रहा था मेरे जो रिलेटिव के बारे में बता रहा था उनके देहांत के टाइम पे उनका बॉडी चिता के ऊपर जली नहीं रहा था आप एक टायर को ले लो आप टायर को आग लगा पाओगे उनकी बॉडी को रणवीर टायर मतलब उसमें अगर आप आग लगाओ और कैसी गंध आती है ना दुर्गंध आती है वैसे ही दुर्गंध के साथ जलाया गया फिर भी नहीं जल रहा था मान लो आप एक लेदर को जला रहे हो फिर उसके ऊपर कैरोसिन छाटा गया छिड़का गया तब जाकर उनकी बॉडी को आग लगी उनकी चिता जली और फिर बाद में तो शायद मुझे जहां तक पता है वो प्रेद होने में ही जाते होंगे क्योंकि पिशाचिनी जब तक आप किसी को दोगे नहीं ना उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको मरने से पहले पिशाचिनी किसी को देनी होगी आपका आपके आपका शिष्य का चयन करना पड़ेगा आपको अगर आप मरने से पहले पिशाचिनी किसी को दोगे नहीं तो आपकी मुक्ति या फिर आपकी सदगति नहीं हो पाएगी सदगति मतलब आत्मा हर बार मुक्त नहीं हो पाती मोक्ष नहीं हो पाता लेकिन उसको जब दूसरे बर्थ में जाने के लिए जो एक गति चाहिए होती है एक मोशन चाहिए होता है ना वो नहीं मिल पाता तब जाकर वो आत्मा प्रेत योनि में फंस कर रह जाती है तो इस वजह से कर्ण पिशाचिनी आपको पास ऑन करना ज़रूरी है और वो पास ऑन भी ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया कि हाँ आप ले लो कोई शिष्य सामने से आकर आपके पास अपनी मंजूरी से ये चीज कहे कि मुझे आपकी कर्णपिशाचनी चाहिए आप मुझे विद्या दो आप मुझे ज्ञान दो तब जाकर उस साधक का पीछा कर्णपिशाचनी से छूटता है अगर ये नहीं हो पाता तो फिर आपकी मुक्ति या फिर आपकी सदगति नहीं हो पाती शिष्यों को भी रिचुअल्स करने पड़ते करने ही पड़ते हैं सारे रिचुअल्स जो गुरु ने किए हैं क्योंकि वही तो सिस्टम रहता है पूरा कोई भी साधना रिचुअल्स के बिना नहीं हो पाती ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना बाकी के वीडियोस भी देखिए बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी पर आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए आपके लिए बनाएंगे दोस्त